फाटक BEG आर्मी एरिया के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया। इस संदिग्ध की भाषा और हाव भाव के आधार पर उसके विदेशी होने का संदेह हुआ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे रोका और पूछताछ की। IIT रुड़की के सुरक्षा अधिकारी देवाशीष भौमिक की मदद से पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपना नाम रहीमूल बताया, जो बांग्लादेश के हाकिमपुर पावना राजशाही का निवासी है। रहीमूल ने बताया कि वो 3 महीने पहले भारत में पैसे कमाने के उद्देश्य से चोरी छिपे आया था और देश में कई स्थानों पर घूम भी चुका है। रहीमूल ने वीजा पासपोर्ट या किसी अन्य पहचान पत्र को प्रस्तुत नहीं किया, जिसके आधार पर उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत BEG आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली, जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषा भाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में IIT रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहां आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, ID और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, धारा 3 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही उससे अलग अलग एजेंसियों के द्वारा पूछताछ की जा रही है ताकि उसके यहाँ होने के बारे में और उसके द्वारा जहाँ जहाँ भ्रमण किया गया है उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके। पुलिस ने रहीमूल को हिरासत में लेकर विभिन्न जांच एजेंसियों से पूछताछ कराई।